नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजया लक्ष्मी। विश्व हिंदू महासंघ हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से योगी आदित्यनाथ का जन्म दिवस पलवल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विश्व हिंदू महासंघ की हरियाणा प्रदेश की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं जिला मेवात पलवल व फरीदाबाद जिले के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के भाजपा मुख्यमंत्री एवं विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्यनाथ योगी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनकी लंबी आयु हेतु हनुमान जी के दूसरे रूप में साक्षात सैकड़ों बंदरों के लिए विभिन्न फलों का भंडारा विधिवत रूप से श्रद्धा अनुसार पलवल छज्जू नगर में किया गया। यह उत्सव विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश महामंत्री संतोष शर्मा योगाचार्य के नेतृत्व में बड़े ही उत्साह पूर्वक श्रद्धा और लगन के साथ मनाया गया। वहीं प्रदेश महामंत्री संतोष शर्मा ने समस्त गणमान्य व्यक्तियों का आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर संरक्षण एवं मार्गदर्शक के रूप में विश्व हिंदू महासंघ के हरियाणा प्रदेश संरक्षक मनदीप सिंह एवं हरियाणा प्रदेश के संयोजक ब्रिज मोहन शर्मा ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अन्य जिलों से आए हुए समस्त गणमान्य पदाधिकारियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि समय समय पर इस तरह के उत्सव सनातन धर्म के अनुसार हिंदू रीति रिवाज के तहत होते रहना चाहिए। उस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस पर पलवल स्थित प्रदेश कार्यालय पर बैठक में आगामी महासंघ की योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में फल वितरण एवं भंडारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले में मेवात जिले से आए डॉक्टर ओमवीर शर्मा, योगेश अग्रवाल, हरे कृष्ण शर्मा एडवोकेट, भागवताचार्य गोविंद हरि, चंद्र प्रकाश माहेश्वरी, कुलसीपुर से सोनू उर्फ सुधीर त्रिपाठी आदि गणमान्य लोग व्यक्तियों ने योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस को अपने अपने निराले अंदाज में खुशी जाहिर करते हुए उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की। वहीं उन्होंने संयुक्त रूप से कहा कि विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा हिंदुत्व एवं अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहकर समय अनुसार इस तरह के उत्सव करते रहेंगे। वहीं उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि महासंघ से जुड़कर हिंदुत्व एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आए, जिससे कि देश की अमन शांति कायम रह सके। राजा राम गुप्ता की खास रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.